हसरतें, जाना मुझे अब है वहां जहां पूरी होगी चाहते। दिल में है अरमान पंख लिए, आंखों में एक आस भी कि रुकना नहीं। उड़ चली मैं, उड़ चली ख्वाहिशों के जहां में, जहां मंजिल है मेरी। उड़ चली संघर्ष, अकेली महिला संघर्ष की शुरुआत की और वो संघर्ष आज इस मुकाम तक पहुंच चुका है। इनको मात्र मीरा रोड नहीं बल्कि मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, लगभग आधा हिंदुस्तान इनको अच्छी तरह जानता है कि रूपा शर्मा की शख्सियत क्या है। वो हमेशा महिलाओं के लिए संघर्ष करती रहती, महिला किसी भी रूप में पीड़ित रही हो और उनका संघर्ष जारी रहता के खिलाफ उनका संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष और भय के खिलाफ उनका संघर्ष। इस तमाम संघर्षों की कहानी के बारे में हम बात करेंगे और उनकी एक संस्था है जन सेवा लोकप्रिय समिति, जिसके माध्यम से उन्होंने कार्य करने का बीड़ा उठाया। यहां तक कि उन्होंने गरीब महिलाओं, गरीब लड़कियों की शादी तक का
निर्णय लिया है और शादी कराती है और प्रणाम ये है कि आज उनका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। रूपा सिंह, सबसे पहले राजनीति को आपने क्यों छोड़ा, समाज सेवा में क्यों छोड़ी, राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? दोनों एकदम अलग टॉपिक हो जाता है। अगर हम पॉलिटिकल में आके किसी की समाज सेवा किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, और कोई भी हेल्प के लिए आता है तो अरे ये तो पॉलिटिकल में है, ये हमारी हेल्प क्या करेंगे। पहले पॉलिटिकल को समाज सेवा के हिसाब से देखते थे। इसके मतलब राजनीति और समाज सेवा में बहुत अंतर आ गया है। पहले के लोग पॉलिटिकल में जुड़ते थे लेकिन उनको ऐसा लगता था कि प्रजा हमारा सब कुछ है, और आज के दौर ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल मतलब सिर्फ मेरा ही मेरा है, और ऐसे लोगों के साथ इसमें मैं जुड़ के तो मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे पॉलिटिकल में नहीं रह के मुझे सोशल में आके लोगों तक पहुंचना है, उनकी तकलीफों को जानना है और उनको तकलीफों से मुक्त कराना है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल में। अगर अभी कोई आपको ऑफर देती राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि जिस तरह से आपका चेहरा समाज सेवा करते करते एक फेम बन रहा है, और आपको कोई ऑफर कोई पार्टी देती है और आप समझती कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या फैसला रहेगा? मेरा सिद्धांत एक ही है कि समाज सेवा का क्या सिद्धांत बनाया है आपने, किस तरह का समाज सेवा करना है? समाज सेवा का सिद्धांत तो कुछ नहीं होता है सर, उसमें सिर्फ एक ही होता है कि समाज सेवा मतलब समाज सेवा। अगर आप तकलीफों से निकले हो, हर तकलीफों को सहन किया है, तो आपको दूसरा जो तकलीफ में सामने वाला तकलीफ में रहता है तो उसमें मुझे मेरी तकलीफें दिखती है कि नहीं, अगर काश कभी भी कभी मेरे साथ में भी हो चुका है और हो सकता है तो मुझे इसके लिए खड़ा रहना है। अगर वो सही है तो हर कदम हर मोड़ पे मतलब मुझे गिरना भी पड़ता है तो मैं फिर जाती हूँ। मतलब जिसके पैर ना पड़े विवाही बोका जाने पीर पराई सिद्धांत पे, यानी कि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसको लेकर आज आपने संघर्ष करने का मन न आया? जी, जब मैं संघर्ष एक समय ऐसा था कि जब मैं खुद अकेली थी और भीड़ रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे पीछे से पाके इतना हाथ रखे और बोले मैं आपके साथ में हूँ, तो वो समय शायद माता रानी की कृपा थी, सभी के दुआएं था कि कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन ऐसा था कि हाँ मैं जीतूंगी हारूंगी। तो जब मेरे पास कोई आता है पहले मैं उसकी पूरी छानबीन करती हूँ कि हाँ ये सच है या सही है या गलत है। जब सही रहती है तो अगर वो हार जाती है बोलती मुझे कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करती हूँ, मतलब मुझे न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तब मैं बोलती हूँ मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूरी ताकत लगाऊंगी। मतलब न्याय के लिए आपका संघर्ष जारी रहता है जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। जब समाज सेवा करती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, तो क्या जब समाज सेवा और जब संघर्ष की बात होती क्या महिलाएं ही आती, पुरुष नहीं आते आपके पास? नहीं, मेरे पास पुरुष भी आते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं सच का साथ देती हूँ, बहुत जगह पे महिलाएं गलत होती हैं पुरुष सही होते हैं, तो मैं उनके लिए भी खड़ी रहती हूँ। देखिए, जब महिलाओं गलत होने की बात आई तो सबसे पहले इस समय वर्तमान समय में एक मी टू कैंपेन चल रहा है, और इस मी टू कैंपेन में अच्छे अच्छे नेता अभिनेता और मतलब कई लोग बेनकाब हो रहे हैं, क्या बोलूं? ये बहुत सही हो रहा है। मीटू जो कंप्लेन है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कंप्लेन है कि लोग जो बेनकाब हो रहे हैं, बड़े बड़े चेहरों के पीछे कितनी गंदगी छुपी है वो सामने आ रही है, और कौन कैसा है कौन कितना, एक डर सा हो गया है कि अगर हम कहीं ना कहीं कुछ करेंगे तो फंसेंगे। आज नहीं तो कल फंसेंगे। और जो कल किया वो आज फंसेंगे, और कल किया है वो आज फंसेंगे। इस बेस पे एक डर सा बैठ गया है तो लोग गलत करने के लिए सोचते हैं तो जगह पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता जो 10 साल पहले 20 साल पहले हुआ और आज आके वो उजागर हो रहा है तो कहीं ना कहीं 10 साल तक की खामोशी और अब आके क्या ठीक लगता है? ठीक, मुझे तो लगता है कि सही हो रहा है, सही मंच मिला है। सही मंच मिला है कि 10 साल के बाद अगर वो जिसको तकलीफ हुई है, जिसने सहन किया है, वो 10 सालों तक अपने अंदर को अंदर किस तरह से उस दर्द को उस तकलीफ को और कैसे सहन करके किस तरह से उस पीड़ा को अपने अंदर दबा के रखती है, जब वो चीज निकलता है ना
तो अपने अंदर एक संतुष्टि मिलती है, मतलब घुटन महसूस जो घुटन महिलाएं करती है, घुटन महसूस जो करती है ना, उनका एक मतलब वो हो जाता है, अरे मैंने 10 साल इंतजार किया और आज मुझे उसका फल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको यकीन हो जाता है ऊपर वालों पे और अपनी सरकार पे, मीडिया पर्सन पे, तो एक भरोसा हो जाता है कि नहीं आज नहीं तो 10 साल बाद हमें न्याय, मतलब न्याय जिंदा है, न्याय जिंदा है, सच्चाई जिंदा है, कहीं ना कहीं वो आएगी जरूर। एक ही मी टू कंप्लेंट की, अब आपकी आपका काम, आपकी संस्था का किस तरह से आप काम करती, पूरा विस्तार से लोग जानना चाहते हैं। हाँ, मेरी संस्था और मैं, मेरा काम बहुत अलग है, मैं लोगों से हटके काम करती हूँ। आज का समाज सेवक बहुत है, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, और मैं छोटी सी समाज सेविका हूँ, ना मेरे पास कोई पैसा है ना कोई, लेकिन संघर्ष है, संघर्ष करने का जज्बा है, एक जज्बा है, एक संघर्ष करने की हिम्मत है, और दूसरों की, दूसरों को न्याय दिलाने का मुझमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये सही है तो मैं इसको न्याय दिलाऊंगी, जो ये है। और मैं आज का ऐसा हो गया कि सब तकलीफों में बहुत कम जाते हैं, अगर किसी की हेल्प के लिए बोलो तो बहुत बड़ा नाम है, अगर संस्था बहुत बड़ी है, हम ये संस्था चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, अगर कहीं पर हेल्प की बात आती है तो मुझे बोलते हैं क्या आप इसमें कुम जा रहे हो, छोड़ो ना ये सब, तो मुझे एक अजीब सा लगता है कि अरे आप तो समाज सेवा कर रहे हो, लोगों की हेल्प के लिए इतने बड़े बड़े भाषण देते हो, इतना बड़ा मंच तैयार करते हो, और जहाँ तकलीफ की बात आती है आप पीछे हट जाते हो, तो कौन सा समाज सेवा कर रहे हो आप? मैं बोलती नहीं हूँ ना, मैं मेरे इतनी कैपेसिटी को मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करूँ, मैं उन चीजों को बिलीव करती हूँ। देखिए रूपा जी, बड़े प्रोग्राम की बात है, बड़े प्रोग्राम भले ही न करती हूँ लेकिन आपको पुरस्कारों की एक लंबी फेरिस्त है, आपको ऐसे ऐसे जगह से ऐसे ऐसे लोगों ने पुरस्कार लिए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। अभी हाल में ही आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने पुरस्कार दिया जो अपने आप में आपको खुद गौरव प्रदान कर रहा है। मैं जब अमिताभ जी की बात कर रहे हैं, सर की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और ऐसा था मुझे एक सपना था कि मैं मिलूंगी एक बार, जब मैं मतलब मैं उनके प्रोग्राम में गई तो सिर्फ उनका एक ही वर्ड था, तो मुझे तब यकीन हो गया, लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन मुझे लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और मतलब आपके चेहरे से झलकता है कि आप है ना बहुत संघर्ष करके और दूसरों के लिए समाज सेवा में बहुत बिलीव, इसके मतलब वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप संघर्ष करने वाली महिला। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी महान हस्ती और इतने मतलब वो, तो उन्होंने जब बोला है तो शायद सच में मैं कर, उसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा मुझे कि नहीं अभी तो मुझे कुछ करना है और भी बहुत कुछ करना है, और मैंने सर को बोला सर थैंक यू, और आपने बोला तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है, और शायद मैं कुछ बनूं या ना बनूं लेकिन लोगों की तकलीफों तक मैं पहुंच सकूं, ये मेरी कोशिश पूरी रहेगी। अमिताभ बच्चन जिसको महानायक सदी का कहा जाता है, और वो व्यक्ति किसी ऐसी महिला को, संघर्ष करने वाली महिला को पुरस्कृत करता है, सम्मानित करता है, तो निश्चित कहीं ना कहीं वो महिला अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती है, संघर्ष का जज्बा एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ता होगा, क्या महसूस करती है? बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मैं चली थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मंजिल क्या है, बहुत सारे ताने सुनने को मिले, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे ये क्या समाज सेवा करेंगे, जब खुद का मतलब वो नहीं कर पाई, अरे आपने कभी पीछे का मेरा बताया देखा है कि मैंने कितने संघर्ष किए हैं, किस तरह से तकलीफों से निकली हूँ, कहाँ से कैसे लोग 19वीं सदी की सोच रखते हैं, मतलब हर तरह से गिराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन बन जाती हैं, तो मुझे उनकी थॉट, उनकी सोच की बहुत नफरत होती, घृणा आती है कि आप उनकी हिम्मत नहीं बनते हो, उनकी ताकत नहीं बनते हो, उनको गिराने की कोशिश करते हो, तो मैं ऐसी आवाज को बंद करना चाहती हूँ। आपका सीधा मतलब है कि ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा होना चाहिए। आपके अंदर एक भावना होना चाहिए, औरत कहते हैं औरत एक देवी का रूप होती है, ममता की महान मूर्त होती है, तो आपके अंदर वो ममता कहाँ गया, एक दया और भाव कहाँ गया कि आप
ऐसे सोच ऐसे तो मेरे अंदर तो ऐसी सोच ऐसे थॉट आती है, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं रहता तो मैं कुछ कहने जाने को छोड़ ये थी व्यक्तिगत। अब आपने जो अब तक काम किए थोड़ा सा उनके बारे में लोगों को जो अपने कामों के बारे में बोलना, शादी भी कराई है बच्चों की वो भी थोड़ा बताइए जिससे लोग जाने कि रूपा शर्मा को हम जिसको देखते हैं संघर्ष करते हुए वो करती क्या है जानती क्या। रूपा शर्मा कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों की विशेष है, आप लोगों की दुआएं है तो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। एक मेरा मुकाम तो कुछ भी नहीं था, एक सोच लेके चली थी कि जो तकलीफें मैंने निकाली हैं उन तकलीफों से मैं किसी को गिरने नहीं दूंगी, जितना हो सकेगा मैं लड़ूंगी और हर तरह से मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। महिलाओं के साथ में, हर उन महिलाओं के साथ में जो तकलीफें में हैं, हिंदू बॉम्बे में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे जहाँ पे हो, उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। मुंबई के अलावा भी संपर्क रहता है? हाँ, मुंबई के अलावा भी संपर्क रहता है, बहुत से बहुत नंबर कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं, खुद भी नहीं सोच पाती हूँ इनको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया है। और देखती हूँ कि नहीं सच में इनको तकलीफ है तो इनको निकालना चाहिए। और रूपा शर्मा कुछ नहीं करती है, जो हमारी संस्था है वो हर तरह से कोई भी किसी भी रूप में कैसे भी प्रॉब्लम हो मैं उनको निकालने की कोशिश। गरीब बच्चियों की मैंने देखा शादी कराते हैं जी। मैं कुछ ऐसे शब्द हमने सुने थे कि अरे जब मैं निकली थी मैं घर छोड़ी थी, बच्चों को लेकर निकली थी, तो मुझे बोला गया था अरे तुम कैसे करोगी, दो बेटियां हैं शादी कैसे करोगी, तुम्हें तो रास्ता भी नहीं मालूम है, तो मेरी बेटियां हैं मुझे क्या करना है मुझे देखना है। पता नहीं क्या चमत्कार है ऊपर वाले का कि इतनी सारी बेटियों का अपने हाथों से अच्छे कर में उनके साथ दे रही हूँ। मतलब दो बेटियां नहीं 200 बेटियों से अधिक कन्यादान कर चुकी हैं, से ज्यादा हो चुकी हैं, मैं बताती नहीं हूँ, जहाँ से भी जैसा हो सकता है जितना सब हो सकता है हमसे मैं पहुँचा देती हूँ। आप बेटियों के अलावा अनाथ आश्रम भी जाते हैं, जो तस्वीरें हम लोग कभी कभी सोशल मीडिया देख लेते हैं आपके जाने वाले डाल देते हैं, किस तरह से अनाथ आश्रम के बच्चों को देखते हैं? वो बच्चों में मुझे मेरे बच्चे जैसे लगते हैं, वो बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं जाती हूँ ना तस्वीरें आंटी नहीं बोलते हैं कोई, मतलब ऐसे दूर से खड़े नहीं रहते हैं कि देखते हैं कोई अनजान आया है, एकदम पकड़ के वो कर लेते हैं कि मम्मी आई है। और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में मुझे माँ का बेटी का दर्जा नहीं मिला, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे घर के हैं जो मुझे माँ बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और जिनकी मैं बेटी हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है तो अच्छा लगता है कि अरे इतने लोग मेरे मुझे प्यार करते हैं, इतनी माँओं की दुआएं हैं। और उन बच्चों से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। महीने में कितनी बार उनके से मिला? दो बार महीने में, अगर मैं हफ्ते में एक बार नहीं गई ना तो 15 दिन में एक बार कॉल आ जाएगा, रूपा जी आपको सब याद कर रहे हैं तो मेरा भी एक खिंचाव रहता है कि नहीं मुझे जाना है वहाँ पे। वृद्धाश्रम में भी जाते हैं? वृद्धाश्रम में भी जाते हैं। यानी कि बच्चियों की शादी, अनाथ आश्रम के बच्चों से आपका लगाव और मिलना, वृद्धाश्रम जाना, ये आपके रूटीन में आ गया? हाँ, ये मेरा मतलब घर है, ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारी मुझे। इन सब चीजों के बाद रूपा शर्मा किसके लिए संघर्ष कर रही, कैसे संघर्ष कर रहेंगी वो हम जानना चाहते हैं। फ्यूचर का प्लान क्या है आपकी? सब फ्यूचर का प्लान मेरा एक ही है कि मैं बच्चे, जो मैं माँ हूँ तो मुझे, मैं बच्चों से भी यही बोलती हूँ कि 3 साल तुम लोगों को और दूंगी मैं, उसके बाद मैं पूरी तरह से सोशल में चले जाऊँगी। हाँ, मुझे सिर्फ लोगों में तकलीफ तक पहुँचना, मुझे उनकी सेवा करना है और आगे की लाइफ में मुझे कुछ नहीं करना है, तो ये सोच लेके चली हूँ आगे। देखूँ कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में, क्योंकि जब आप अनाथ आश्रम में जाते हैं, जब वृद्धा आश्रम में जाते हैं, जब आप लड़कियों की शादी करती हैं तो कहीं ना कहीं इन सब कामों करने के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, लोग जुड़ते हैं, और जब कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करने के लिए मुंबई जैसे महानगर में लोग खड़े रहते हैं, उन्हें मतलब मुंबई एक ऐसी जगह है जो अच्छे वाले काम करने वालों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ के हेल्प करो या ना करो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं कि हम एक प्रोग्राम में रहे इनको तो जरूरत होगी इसलिए,
मैंने आज तक जो भी किया है मैं न किसी से डरती हूँ और ना ही किसी से बोलती हूँ। मेरे पास जो रहता है कोशिश करती हूँ कि पहले सामने वाले की तकलीफ दूर करूँ, बाकी मेरा तो जो हो रहा है। तो ये अपील करती हूँ कि आप है ना सामने वाले की तकलीफों को समझो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, और अगर आपके पास ऊपर वाले ने घड़ा दिया है तो घड़ा से एक बूंद पानी अगर आप निकालोगे तो कम नहीं होगा। रूपा शर्मा को मत दो, लेकिन किसी गरीब या असहाय आदमी को दो। असहाय है जो तकलीफ में है उनकी, उनके लिए आप खड़े हो जाओ, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ आदमी, और समाज की तस्वीर, और समाज की तस्वीर भी अच्छी बनेगी, लोगों को दिख में रहेगा कि हाँ आदमी है लोग जो खड़े। समाज सेविका रूपा शर्मा जी, जिन्होंने हमसे वार्तालाप, विस्तृत वार्तालाप की, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जिज्ञासा रहती थी कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। समाज सेविका है लेकिन किस तरह से काम कर रही हैं, वो अपनी समाज सेवा के कार्यों को घिनाना नहीं चाहती, सबसे बड़ी बात। समाज सेवा जो करते हैं उनके अंदर समाज सेवा की भावना है। अभी 3 साल उन्होंने कहा कि हम 3 साल समाज सेवा परिवार को देंगे और 3 साल बाद वो बिल्कुल गृहस्थ छोड़कर समाज सेवा का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वृद्ध आश्रम में जाना, अनाथ आश्रम में जाना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, ये उनका मकसद, ये लक्ष्य और ये उनके रूटीन में बन गया है। समाज सेवा के उस हर पहलू से जो मुंबई ही नहीं हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई महिला पीड़ित है और उनके पास आती है तो वो उसकी बात सुनती है और इंसाफ दिलाने तक संघर्ष करती है और वो हमेशा उसके साथ तन मन धन के साथ जुड़ी रहती है। ये उनकी शख्सियत है जो उनको उनके पायदान, उनके कद को और बढ़ा देती है। मैं समझता हूं कि रूपा शर्मा समाज में एक ऐसा चित्र है, रूपा शर्मा का एक ऐसा स्वरूप है, रूपा शर्मा का ऐसा कर्म कार्य है कि जिससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और लोग अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनके लिए कोई पैसे, उनकी संस्था के लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई असहाय व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई गरीब लड़की हो, कोई गरीब भूखा बच्चा हो, कोई वृद्ध हो, उसकी सेवा कर दीजिए, रूपा शर्मा के पास आपका धन पहुंच गया। वरना संस्थाएं क्या करती हैं कि सबसे पहले चंदे की रसीद देती हैं। मैं समझता हूं रूपा शर्मा की इस त्याग की भावना बहुत ही अच्छी भावना है। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एवी न्यूज के लिए ललित और सुमन के साथ।